रोहतास जिला में उर्वरक दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की गई तथा अनियमितता बरतने वाले जिला के 43 खाद दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। इन लोगों पर खाद की कालाबाजारी के अलावा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने का भी आरोप है। डीएम पंकज दीक्षित के निर्देश के बाद जिला कृषि पदाधिकारी संजय नाथ तिवारी ने पहले तो सभी आरोपी दुकानदारों को नोटिस दिया, लेकिन किसी भी अनुज्ञप्तिधारी दुकानदारों ने उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके बाद रोहतास जिला के 43 खाद उर्वरक विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। इन लोगों में ज्यादातर दुकानदारों पर आरोप है कि वे लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। वहीं किसानों से बिना आधार कार्ड लिए ही उर्वरक की सप्लाई कर दे रहे हैं, साथ ही पाउच मशीन का भी उपयोग नहीं करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी संजय नाथ तिवारी ने बताया कि जांच के उपरांत रोहतास जिला के 43 उर्वरक दुकानदारों से नियुक्ति रद्द कर दी गई है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की गई जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में खुदरा उर्वरक विक्रेताओं और थोक उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध जांच कराई गई दुकानों की, जिसमें खुदरा उर्वरक विक्रेताओं में बिना आधार के 11 पकड़े गए, जो बिना आधार और फेक नामों से उर्वरक का व्यवसाय करते थे। साथ ही जो अधिक मात्रा में एक ही किसान को उपलब्ध कराए, इस तरीके के 7 थे और 25 ऐसे थे जो पास मशीन के द्वारा व्यवसाय नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके से कुल हम लोगों के द्वारा जो है 11, 7, 18 और 25 कुल 43 किस तरह कार्रवाई की गई कि अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। इसके पूर्व में उन लोगों से स्पष्टीकरण की परीक्षा की गई थी कि आप लोगों के द्वारा इसी तरीके की अनियमितता बरती गई है, अतः आप अपने सभी साक्ष्यों के साथ जिला कृषि कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। लेकिन किसी भी विक्रेता के द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। स्पष्ट प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा था कि इन लोगों के द्वारा जानबूझ करके ये अनियमितताएँ बरती गई हैं, अतः तात्कालिक प्रभाव से उन सारे अनुज्ञप्तियों को मेरे द्वारा रद्द कर दिया। थोक उर्वरक विक्रेताओं में भी